Hello student, good afternoon to you all. We are going to discuss about a multivibrator circuit in this session. So multivibrator circuit is a type of oscillator circuit, type of non-sinusoidal oscillator circuit. And basically in previous session we were discussed that oscillator is basically two types. First one is oscillator which produce sinusoidal waveform is known as sinusoidal oscillator. Examples of sinusoidal oscillator are Colpitts oscillator, Hartley oscillator, Wainbridge oscillator, crystal oscillator. And second one is our non-sinusoidal oscillator. So non-sinusoidal oscillator is our multivibrator circuit. Multivibrator circuit is our non-sinusoidal oscillator circuit. Which produces square wave generator, which produces square wave signals, square waves, rectangular waves, triangular wave, sawtooth wave, etc. These are the waveform. These are the waveform which is type of non-sinusoidal. So this kind of waveform can be produced by multivibrator circuit. Multivibrator circuit ऐसा circuit होता है जिसका जो waveform होता है वो non-sinusoidal होता है और ज्यादा बदलती होता है. वो हो सकता है square wave, वर्ग आकार, rectangle आकार का, sawtooth आकार का और triangular wave आकार का. That means कि कोई एक ऐसा waveform जो sinusoidal हो, that means जो ज्यावक्रीय ना हो, उसको छोड़कर के और कोई दूसरा, कोई अन्य फलन, कोई भी अन्य function generate करे. तो हमारे पास जो multivibrator circuit है, वो basically three types है. Multivibrator circuit के भी three types है. पहला जो circuit उसको हमने unstable multivibrator कहा. Second one is स्टेबल स्टेट, स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी के आधार पर हमने मल्टीवाइब्रेटर सर्किट को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया, डिवाइड किया. तो हमारा फर्स्ट जो है अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट है. अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट ऐसा मल्टीवाइब्रेटर सर्किट होता है जिसमें कोई भी स्थायी अवस्था नहीं होता है, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है, इसलिए इसको हम अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट के नाम से जानते हैं. दूसरी टाइप से जो है उसको मोनो स्टेबल कहते हैं. मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट के लिए हम एक स्टेबल स्टेट फाइंड करने के लिए एक्सटर्नली क्लॉक पल्स है ना, ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं. और जो बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, ये मल्टीवाइब्रेटर दो स्टेबल स्टेट से, एक ऐसा मल्टीवाइब्रेटर सर्किट है जिसमें दो स्टेबल स्टेट होते हैं. दो स्टेबल स्टेट को लाने के लिए हमको दो ट्रिगर पल्स अप्लाई करना होता है. तो ये जो भी हमारे पास मल्टीवाइब्रेटर सर्किट है, ये सभी मल्टीवाइब्रेटर सर्किट बेसिकली दो ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनते हैं, जो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 है. अगर हम बात करें अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के लिए, जो हमारे पास फर्स्ट काइंड का मल्टीवाइब्रेटर है, आइए हम इसके सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं. अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, तो जैसा आपने पढ़ा अभी डिस्कस किया कि जो भी हमारा मल्टीवाइब्रेटर सर्किट है वो बेसिकली दो ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनता है. तो यहाँ पे हमारा दो ट्रांजिस्टर अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनाने के लिए हम यूज करने जा रहे हैं. ये हमारा अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट जो दो ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनेगा, वो ट्रांजिस्टर बेसिकली बैक टू बैक है.
ट्रांजिस्टर Q1 और ट्रांजिस्टर Q2। इस तरह के ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम बेसिकली PNP ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। PNP ट्रांजिस्टर Q1 एंड PNP ट्रांजिस्टर Q2, ये बेसिकली बैक टू बैक कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे हम एक कलेक्टर टर्मिनल पे कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। यहाँ एक कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 जो साथ में VCC के साथ कनेक्ट होते हैं, टर्मिनल VCC के साथ कनेक्ट होते हैं। सिमिलरली जो हमारा ट्रांजिस्टराइज सर्किट होता है, ये ट्रांजिस्टराइज सर्किट हमारा सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक इन द सेंस जो Q1 Q2 में जो टर्मिनल्स हमारे पास कनेक्टेड होंगे, Q1 टर्मिनल में जो भी कनेक्टेड है सेम वही ट्रांजिस्टर के जो कंपोनेंट्स हैं Q2 टर्मिनल पे भी कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4 इसके साथ टर्मिनल ट्रांजिस्टर Q1 के लिए कैपेसिटर के यहाँ पे कनेक्टेड है फर्स्ट टर्मिनल पे, फर्स्ट ट्रांजिस्टर Q1 के लिए। और ट्रांजिस्टर जो PNP ट्रांजिस्टर है Q2, इसके कलेक्टर टर्मिनल पे भी R3 और R4 रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर C2 कनेक्टेड होता है। तो VCC सप्लाई हमने यहाँ से दिया है और नीचे से हमने ग्राउंड सप्लाई किया है। इस तरीके से हमारा एक ट्रांजिस्टराइज स्टेट कंप्लीट हो पाता है जो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा जो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है वो एज ए ऑसिलेटर सर्किट ही है, एक प्रकार का ऑसिलेटर सर्किट है। ऑसिलेटर सर्किट के लिए हमको बेसिकली इनपुट लेने की आवश्यकता नहीं होती। ऑसिलेटर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो फीडबैक पर आधारित होता है, पॉजिटिव फीडबैक पर आधारित होता है। तो यहाँ से हमारा जो आउटपुट टर्मिनल हमको मिलता है, यहाँ पे जो हमको आउटपुट मिलेगा उसी आउटपुट का कुछ पार्ट अगेन इनपुट में डिप्लॉय किया जाता है, जो दोनों ट्रांजिस्टर के लिए डिप्लॉय किया जाता है। और फर्दर फिर इसी इनपुट सिग्नल के लिए ट्रांजिस्टराइज स्टेट Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर अगेन एंड अगेन ऑपरेट होते हैं। इस ऑपरेशन के पश्चात हमको कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं मिलता है, इसलिए इस टाइप के ट्रांजिस्टर को हम अस्टेबल, इस टाइप के ट्रांजिस्टर से बना जो सर्किट होता है उसको अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कहते हैं। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के लिए हमने देखा ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 को बैक टू बैक कनेक्टेड करके R1, R2, R3, R4 चार रेजिस्टेंस और उनके साथ दो कॉमन कैपेसिटेंस का C1 और C2 का इस्तेमाल करके एक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर टाइप का सर्किट हमने बनाया। तो इस टाइप के ट्रांजिस्टराइज स्टेट से बना ऑसिलेटर का आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो आउटपुट स्टेट यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं तो एक और कैपेसिटर CC कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ से हमको आउटपुट प्राप्त हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सेकेंड वन इज मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से किस प्रकार भिन्न है इसको हम देखते हैं। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दिस इज ऑल अबाउट अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए हमने अगला सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट के लिए भी हमारे पास दो ट्रांजिस्टराइज स्टेट लेंगे Q1 और Q2। ये एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है जिसमें एक स्टेबल स्टेट है। एक स्टेबल स्टेट होने के कारण हम यहाँ पे एक ट्रिगर पल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के लिए एक ट्रिगर पल्स हम इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट के मल्टी वाइब्रेटर जो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है हमारे पास,
एक स्टेबल स्टेट हमको फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेबल स्टेट क्रिएट करने के लिए हमने ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 को बैक टू बैक कनेक्टेड किया है। बैक टू बैक कनेक्टेड के बाद हमने यहाँ पे कंपोनेंट R1, R2, R3 और R4 जो हमारे पास अस्टेबल स्टेट था, अस्टेबल स्टेट में R3 और R4 के बीच में कैपेसिटर C2 कनेक्टेड होता है, वो C2 का प्लेस हमने रिप्लेस कर दिया है। उस C2 के प्लेस को हमने हमारे ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल जो ट्रांजिस्टर Q1 है Q1 की बेस टर्मिनल के पास लाया हुआ है, जहाँ से हमने इनपुट पल्स को फेड कराना होता है। यही इनपुट पल्स जो है ट्रिगर पल्स होता है, इसको हम ट्रिगर पल्स के भी नाम से जानते हैं। इसी ट्रिगर पल्स को अप्लाई करने के पश्चात हमारा जो आउटपुट होता है उस आउटपुट में एक स्टेबल स्टेट हमको गेट होता है प्राप्त कर पाता है। तो यही कारण है जिसके वजह से जो सेकेंड टाइप का हमारा मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है उसको हमने मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट का नाम दिया। सर्किट डायग्राम को एक बार हमने फिर से देखना है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर Q1 और ट्रांजिस्टर Q2 है, दोनों ही PNP टाइप के ट्रांजिस्टर हमने लिया हुआ है। PNP टाइप के ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर Q1 के साथ हमारा कलेक्टर टर्मिनल में R1 और R2 इंटरकनेक्शन में एक कैपेसिटर C1 रहता है और Q1 कैपेसिटर के लिए हमारे पास कलेक्टर टर्मिनल पास R3 और R4 है। यहाँ एक कैपेसिटर है C जिससे हमको कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट की वैल्यू को कंसिस्टेंट गेन करने के लिए हम यहाँ आउटपुट टर्मिनल पर कैपेसिटर C कनेक्टेड किए हुए हैं। ट्रांजिस्टर Q1 की जो व्यवस्था है वो कुछ भिन्न है, उसी भिन्नता के लिए हमने इसका नाम मोनो स्टेबल रखा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर पल्स को अप्लाई करना है और ट्रिगर पल्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इनपुट ट्रिगर पल्स देना होगा, जो ट्रिगर पल्स इस तरीके से है। तो इस ट्रिगर पल्स को Q1 ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल से देंगे। यह ऑसिलेटर सर्किट है तो इसको इनपुट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोनो स्टेबल स्टेट फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे ट्रिगरिंग की आवश्यकता पड़ती है, ट्रिगर पल्स देना होता है। अब आइए हम देखते हैं जो हमारा थर्ड वन है, तीसरा टाइप का जो स्टेबल बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है जिसमें दो स्टेबल स्टेट होंगे। अगर हम बात करें बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की, तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के लिए हमने जैसे दोनों मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के लिए ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 लिया हुआ था, सेम वही ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे जो इसका एमिटर टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है। बेस टर्मिनल से हमने दो कैपेसिटर की हेल्प से ट्रिगर पल्स लेना है। एक्चुअली ये बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है। बाईस्टेबल नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर सर्किट जो दो स्टेबल स्टेट जिसपे दो स्टेबल स्टेट हो, तो दो स्टेबल स्टेट को गेट करने के लिए हमको दो ट्रिगर पल्स अप्लाई करना होगा। जिस तरीके से मोनो स्टेबल के लिए एक ट्रिगर पल्स एक ट्रांजिस्टर केवल Q1 को ट्रिगरिंग करने की आवश्यकता हुई थी, वैसे यहाँ पे हमको ट्रिगर पल्स अप्लाई करना होगा। ट्रिगर पल्स ट्रांजिस्टर Q1 के लिए यहाँ से और ट्रांजिस्टर Q2 के लिए ट्रिगर पल्स यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। इसी ट्रांजिस्टर के ट्रिगर पल्स के हेल्प से हम आउटपुट गेट कर पाते हैं जो हमारा बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट होता है। साथ ही इसमें कुछ व्यवस्था चेंज है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R1 के साथ एक टैंक सर्किट है जिसमें C1 और R1 पैरेलली चलते हैं, जबकि इससे पहले हम लोग इस टाइप के टैंक सर्किट की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। और बैक टू बैक कनेक्शन है यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के लिए। इसके आउटपुट को हम कैपेसिटर के हेल्प से ले पाते हैं, यहाँ से हम जो है आउटपुट गेट कर सकते हैं। यह आउटपुट हमारा मोनो बाईस्टेबल आउटपुट होगा, बाईस्टेबल आउटपुट हम गेट कर पाते हैं ट्रांस कैपेसिटर CC के हेल्प से।
स्टेबल टाइप के मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में एक ट्रिगर पल्स की आवश्यकता होती है। हमारे पास ये बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है, यह दोनों मल्टी वाइब्रेटर से इस प्रकार भिन्न है कि इस टाइप के मल्टी वाइब्रेटर में हमको दो ट्रिगर पल्स की आवश्यकता है। यहाँ पे इस ट्रिगर पल्स को हम कैपेसिटर C3 और कैपेसिटर C4 की हेल्प से ले पाते हैं। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है जो दोनों रेजिस्टेंस के लिए VBB हम अप्लाई करते हैं, जिससे यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो मेंटेन हो सके। जैसे कि ये मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है, इसके लिए बेसिकली किसी प्रकार की एक्सटर्नल इनपुट की आवश्यकता नहीं होती एक्सटर्नली। इसमें जो कुछ भी आपको इनपुट करना है वो ट्रिगर पल्स की हेल्प से ही लिया जाता है और उससे हम बाय स्टेबल आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट मल्टी वाइब्रेटर सर्किट का स्टडी है, जिसमें हमने अस्टेबल, मोनो स्टेबल और हाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट को बनाना सीखा। तो मल्टी वाइब्रेटर के इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम इसके वेवफॉर्म को जनरेट करेंगे कि मल्टी वाइब्रेटर में डिफरेंट डिफरेंट अस्टेबल, मोनो स्टेबल और बाय स्टेबल के लिए वेवफॉर्म क्या है। ओके, थैंक यू।